हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज हम रीजनिंग में एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। उसका नाम है कैलेंडर। हिंदी में इसको बोलते हैं पंचांग। वैसे तो कैलेंडर दो कॉन्सेप्टों पर आधारित है। पहला है सिंपल ईयर और लीप ईयर के कॉन्सेप्ट पर, दूसरा है ऑड डेज यानी विषम दिनों के कॉन्सेप्ट पर। उन कंसेप्टों को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कैलेंडर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कैलेंडर में 365 दिन क्यों होते हैं, लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग क्यों देते हैं, शताब्दी वर्ष को लीप ईयर मानने के लिए 400 से भाग क्यों देते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके बेसिक से शुरुआत करें। देखिए, जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो हम अंग्रेजी कैलेंडर यूज करते हैं, ब्रिटिश कैलेंडर है ये। देखो, इसको बनाया था पोप ग्रेगोरी ने। कब बनाया था? 1582 में। इतनी बात क्लियर है? देखो, ग्रेगोरियन कैलेंडर में होते हैं 12 महीने। कहां से स्टार्ट होते हैं? मैं जनवरी से स्टार्ट होगा और दिसंबर पर एंड होगा। इन महीनों के बीच में होते हैं, 7 दिन का होता है सप्ताह। इतनी बात क्लियर है? और ये 12 महीने मिलकर बनाते हैं वर्ष। वर्ष भी होती है दो प्रकार की, एक होती है साधारण वर्ष जिसको हम सिंपल ईयर बोलते हैं इंग्लिश में। इस सिंपल ईयर की खास बात ये है कि भाई इस सिंपल ईयर का पहला दिन जो होगा, जैसे 1 जनवरी को साहब मंडे था, 31 दिसंबर को भी मंडे होगा, यानी कि जिस दिन वर्ष की शुरुआत होगी अंत भी उसी दिन होगा। इतनी बात क्लियर है? और नेक्स्ट आता है लीप ईयर यानी अधिवर्ष। इसकी खास बात क्या है भाई? ये जिस दिन स्टार्ट होगा उसके अगले दिन समाप्त होगा। यानी कि जैसे देखो, 1 जनवरी को है मंडे है और ये लीप ईयर है, तो 31 दिसंबर को ट्यूसडे होगा यानी कि मंगलवार होगा। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किस प्रकार का कैलेंडर यूज करती है, वो कैलेंडर यूज करती है सर्वसम्मत। क्यों यूज करती है? ताकि भारत की जो आइडेंटिटी है वो बनी रहे। देखो, इसको आजादी के 10 साल बाद अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था। भारत सरकार के जितने भी शपथ पत्र होते हैं, आकाशवाणी है, जो ऑल इंडिया रेडियो है, वो सर्वसम्मत के हिसाब से काम करता है। देखो, सर्वसम्मत क्या है? ये भी 365 दिनों पर आधारित एक कैलेंडर है, जिसका पहला महीना क्या होगा, इसका पहला महीना भी क्या होता है, चैत्र होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से सर्वसम्मत है, इसकी शुरुआत होती है 21 मार्च, जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है। कभी कभी लीप ईयर के कंसेप्ट में 22 मार्च से भी शुरुआत हो जाती है इसकी। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें सर्वसम्मत में, कि ये सर्वसम्मत है जो इंग्लिश कैलेंडर है, हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इससे 78 साल पीछे चल रहा है। यानी कि अगर इंग्लिश कैलेंडर में 2021 चल रही है तो इसे 78 साल पीछे करो, यानी कि 1943। यानी सर्वसम्मत के हिसाब से कौन सा वर्ष चल रहा है? 1943 चल रहा है। एक कैलेंडर और हम यूज करते हैं, वो है विक्रम संवत। भारतीय इतिहास में इसको भी मान्यता प्राप्त है। इस कैलेंडर की खास बात यह है, ये जो कैलेंडर है इंग्लिश कैलेंडर से, यानी कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इससे 57 साल आगे चलता है। यानी कि विक्रम संवत के हिसाब से अब कौन सी ईयर चल रही है, 2021 में 57 जोड़ो, यानी कि ये हो जाएगा 2078। यानी विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा साल चल रही है, 2078 चल रही है। इतनी बात क्लियर है? इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वर्षों की। देखिए, यदि हम साधारण वर्ष की बात करें यानी सिंपल ईयर, इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 365।
देखो यदि हम इसको सप्ताह में तोड़े, यानी कि सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का, 7 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 52 सप्ताह और 1 दिन बचेगा नहीं बचेगा। इसमें होती है फरवरी 28 दिन की। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अगला है अधिवर्ष या लीप ईयर। देखिए यदि मैं बात करूं इसमें दिनों की, दिन कितने होते हैं भाई इसमें, 366। यदि इन दिनों को सप्ताह में डिवाइड करें तो कितने दिन बन रहे हैं, 52 तो सप्ताह बन रहे हैं, और 2 दिन क्या बच रहे हैं, एक्स्ट्रा बच रहे हैं। यदि मैं इसमें बात करूं फरवरी की, फरवरी होती है 29 की। अब बात आती है कि भाई फरवरी यहाँ तो 28 की है, यहाँ 29 की है, ऐसा क्यों है। देखिए ऐसा होता है सोलर ईयर के कारण। किसके कारण होता है, सोलर ईयर जिसे हिंदी में बोलते हैं सौर वर्ष। और सौर वर्ष क्या चीज है भाई, जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसे कहते हैं हम सौर वर्ष। यदि यदि इस टाइम को एग्जैक्ट कैलकुलेट किया जाए, ये आता है 365.2416 दिन। इतनी बात के ले रहे। पोप ग्रेगोरी साहब ने क्या किया, इस 365.2416 दिन को 24/16 ना लेकर इन्होंने ले लिया 365.25 ले लिया, यानी 365 सही 1/4 ले लिया। इतनी बात समझ में आ रही है। और ये 1/4 4 वर्षों तक जुड़ता है, 1/4 + 1/4 + 1/4, 4 बार 1/4 है तो 1 दिन बन जाता है। यदि इसको घंटों में कन्वर्ट करें तो 6 घंटे इसके, 6 घंटे इसके, 6 घंटे इसके, 6 घंटे इसके, तब भी 24 घंटे बन जाते हैं, वो भी 1 दिन के बराबर है। तो ये 1 दिन है, 4 सालों में 1/4 1/4 1/4 जुड़कर 4 सालों में 1 दिन बन जाता है, इसीलिए फरवरी में 1 दिन जोड़ देते हैं। और लीप ईयर में क्या हो जाते हैं, 365 के बजाय 366 दिन हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। यदि हम बात करें, देखो 365.2416 तो हमारा क्या रहा है सोलर ईयर, और इसने क्या ले लिया 365.25 ले लिया, यानी कि एरर तो अब भी है, यानी कि इसमें त्रुटि तो है। यदि हम इस त्रुटि को समय में काउंट करें तो ये आती है 11 मिनट 14 सेकंड, यानी कि हर वर्ष जब हम 1/4 1/4 जोड़ रहे हैं तो हम सोलर ईयर में, यानी कि हर साल हम समय में 11 मिनट 14 सेकंड आगे जा रहे हैं, यानी कि हर साल 11 मिनट 14 सेकंड आगे जाते जाएंगे, तो 100 200 वर्षों में तो क्या हो जाएगा, हम ऋतुओं में ही अलग प्रवेश करने लग जाएंगे। जो ऋतु जनवरी फरवरी में आ रही है वो हम अन्य महीनों में आएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो इस एरर को कम करने के लिए क्या किया, शताब्दी ईयर का कंसेप्ट दिया गया। अब बात आती है शताब्दी वर्ष क्या होते हैं। शताब्दी वर्ष होते हैं कि जिन वर्षों के अंत में 2 जीरो आए वो कहलाएंगे शताब्दी वर्ष। देखो जो भी शताब्दी वर्ष आता है उस हर शताब्दी वर्ष को हम लीप ईयर में काउंट नहीं करते, यानी कि हर शताब्दी वर्ष में कितने दिन नहीं होंगे, 366 दिन नहीं होंगे। अब ऐसी कौन सी वर्ष है शताब्दी वर्ष जिनमें 366 दिन होंगे, ऐसी वही शताब्दी वर्ष होंगी जो लीप ईयर होंगी जिनमें 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो जैसे हम बात करें जहां से कैलेंडर शुरुआत हुआ 1 जनवरी 001 से, 100वीं वर्ष आई होगी। देखो यदि हम इसके ईयर चलें, अधिवर्ष के कॉन्सेप्ट से चलें कि अधिवर्ष क्या होता है, जिस साल में 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, इसमें 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, पर यहाँ ये शताब्दी बदल रही है, शताब्दी के लिए हम किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, तो 100 में 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये भी कौन सी वर्ष होगी, ये 365 दिन वाला साधारण वर्ष होगा, बजाय इसकी कि ये क्या हो अधिवर्ष हो। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 400 से क्यों भाग दे रहे हैं, जो ये हम मिस्टेक कर रहे हैं 11 मिनट 14 सेकंड की, हर साल समय में आगे जा रहे हैं, तो 400 सालों में क्या होगा, जो हम 11 मिनट 14 सेकंड की एरर कर रहे हैं 400 सालों में ये वो सोलर वर्ष के बिल्कुल लगभग नजदीक पहुंच जाएगी, यानी कि हम सोलर वर्ष में जो हमारा जो पृथ्वी का साइकिल होता है उसके लगभग बराबर पहुंच जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। देखो यदि मैं बात करूं 200वीं वर्ष है, ये साधारण वर्ष होगी कि लीप वर्ष होगी। देखो यहाँ क्या बताया मैंने, शताब्दी वर्ष जिसके पीछे 2 जीरो हो,
दो जीरो हैं इसके पीछे, तो इसको काउंट करेंगे साधारण वर्ष या अधिवर्ष के रूप में, कैसे करेंगे, 400 से पूरा पूरा भाग देंगे, तो 200 में नहीं जा रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो ये कैसा वर्ष है भाई, साधारण वर्ष है। इस बात को याद कर लो, हर 400 वर्ष बाद जो शताब्दी बदलती है वो ही क्या होगी, हमारी लीप ईयर होगी, और बाकी की जो शताब्दी वर्ष है वो कैसी होंगी, साधारण वर्ष होंगी। इतनी बात क्लियर है? अभी तक देखिए, अब हम जो हमने शताब्दी वर्ष का कंसेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। यदि क्वेश्चन कहे कि भाई 100 शुरुआत के 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष आएंगे, यानी कितने लीप वर्ष आएंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई 4 से डायरेक्ट, क्योंकि जो अधिवर्ष है वो 4 साल के बाद आता है, तो हम 100 में 4 से भाग देते और हमारा आंसर 25 कर दें, ये तो हो जाएगा गलत। शुरुआत के 100 सालों की बात कर रहा हूं मैं, जब से कैलेंडर बनाए। तो देखो क्या निकालते हैं, अधिवर्ष क्या था, हर 4 साल बाद आता है, और ये क्या है भाई, 100 शताब्दी वर्ष है कि नहीं, शताब्दी वर्ष, तो शताब्दी वर्ष को हम लीप ईयर कब काउंट करते हैं, जब 400 से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो 100 में तो 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, और 96 की बात करें हम, 1 से 96 तक, तो 4 से भाग दे लो तो कितनी बार जा रहा है, 24 बार जा रहा है, यानी कि 24 तो कैसे होंगे हमारे अधिवर्ष, और 76 क्या होंगे भाई, साधारण वर्ष। इतनी बार समझ में आ रही कि नहीं है? इसी प्रकार यदि मैं ये कहूं हमें निकालना है 1 से 300 तक निकालने हैं कि भाई कितने साधारण वर्ष होंगे और कितने अधिवर्ष होंगे, यदि 1 से 300 तक निकालें तो 300 हम भाग दे के देखेंगे, इसके बीच क्या क्या आएगा, 100 आएगा, 200 आएगा और 300 आएगा, तीनों ही वर्षों में क्या हो रहा है, जो तीनों ही शताब्दी वर्ष है, कोई सा भी क्या नहीं है, अधिवर्ष नहीं है, तो क्या होगा भाई, 100 सालों में कितने आते हैं, 24 आते हैं अधिवर्ष, और ये 300 तक पूछा है तो 3 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 3 2 6 और 1 7, 72 तो क्या हो जाएंगे, अधिवर्ष हो जाएंगे, और सिंपल ईयर कितने हो जाएंगे, इसमें 3 से गुणा कर लो, 6 3 18, 7 3 21 और 1 22, 228 क्या हो जाएंगे, 228 क्या हो जाएंगे, साधारण ईयर। यदि मैं बात करूं कि भाई 800 वर्षों में कितने साधारण वर्ष होंगे और कितने लीप ईयर होंगे, देखो सिंपल सा कंसेप्ट तो ये है, बस हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो ये शताब्दी बदल रही है ये लीप वर्ष है कि नहीं है। देखो हर 400 साल बाद 400 का पूरा पूरा भाग 400 में जाता है, और फिर आगे के कौन सी वर्ष में जाता है, 800 में जाता है, यानी कि जो 400वीं साल आएगी वो आएगी एक तो लीप ईयर, और एक 800वीं साल आएगी, तो 800 वर्षों में निकालना है, 800 वर्षों में 400 साल आएगी और 800वीं आएगी, दो तो लीप ईयर ये आएगी, ठीक है, और 800 सालों में 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, 24, 24 को क्या कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे, तो लीप ईयर निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे, गुणा करके जोड़ देंगे। देखो अब क्वेश्चन आता है, हमें बताना है 1748 में कितने लीप ईयर है और कितने साधारण वर्ष, यदि ये क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, 1748 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1700 प्लस 48 लिख सकते, नहीं लिख सकते, और मैंने क्या बताया, जो 400 है, 400 को पूरा पूरा भाग जाएगा शताब्दी वर्ष, वही क्या होगा हमारा, अधिवर्ष होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 17 में 24 से गुणा करेंगे, क्यों करेंगे भाई, क्योंकि 100 सालों में 24 तो होते ही है हमारे अधिवर्ष, बस ये कैलकुलेट करना है, 1700 में देख लो आप 400 से पूरा पूरा भाग दे लो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 चौक 16, 16 तो 1600 तक पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी 4 वर्ष तो क्या होंगे, शताब्दी वर्ष अधिवर्ष होंगे, इसमें 4 से भाग देंगे 48 में, 12 वर्ष इसके आ गए, 4 अधिवर्ष इसके आ गए, आ गए कि नहीं आ गए, और 17 गुना 24 करेंगे तो 17 चौक 68, 6 हासिल, 17 गुना 34 और 6 40 प्लस 12 ये हो गया, 4 ही हो गए, 408 और 12 कितने हो गए, 20 और 424, यानी कि हमारे 1748 वर्ष में कितने अधिवर्ष होंगे, 424, यानी लीप ईयर कितने होंगे, 424। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये आगे जब हम निकालेंगे कि भाई 5 जनवरी 1947 को क्या वार था, उस टाइम ये चीज काम में आएंगी। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट